वाइदे न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इस साल भारत में टिड्डी दल का पहला हमला राजस्थान के गंगानगर में 11 अप्रैल को हुआ था। ये टिड्डियां पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुई थी। वहीं राजस्थान के जयपुर और आसपास के इलाकों में भी टिड्डी दल ने नुकसान पहुंचाया है। केंद्र सरकार ने संगठन टिड्डी दल चेतावनी संस्थान यानी कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने टिड्डी दल के एक और हमले की चेतावनी दी है। सोमवार को जयपुर के कुछ रिहायशी इलाकों में भी टिड्डी दल ने हमला किया। आमतौर पर टिड्डी दल पश्चिमी राजस्थान के जिलों को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस बार ये जयपुर और उसके आगे तक के गांवों में पहुंच गए हैं और अब धीरे धीरे करके दिल्ली तक पहुंचने वाले हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इस समय खड़ी फसल न होने की वजह से राजस्थान में टिड्डी दल ने पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। जयपुर के मुरलीपुरा और विद्यासागर नगर इलाकों में दीवारों और पेड़ों पर बैठी टिड्डियों को भगाने के लिए लोगों ने थालियां पीटी। 11 नवंबर 2019 पाकिस्तान का कराची स्टेडियम, यहां क्रिकेट मैच चल रहा था। सिंध और नॉर्दर्न पाकिस्तान की टीमों के बीच मैच के बीच में अचानक खिलाड़ी पटापट जमीन पर गिरने लगे। दर्शक दीर्घा में खलबली मच गई और मैदान पर हमला हो गया था। यह हमला इंसानों का नहीं था, ये टिड्डियों का था। लाखों की संख्या में जब ये मैदान पर मंडराना शुरू हुए तो लोग हक्के बक्के रह गए। पता चला कि पूरे कराची शहर के ऊपर टिड्डियां छा चुकी हैं। छोटे छोटे कीड़े ग्रास हॉपर प्रजाति के। अब आप कहेंगे कि ग्रास हॉपर क्या चीज है, जिसको कई बार रामजी का घोड़ा भी कहा जाता है। टिड्डियां झुंड में काफी लंबी दूरी तक उड़ सकती हैं। ये प्रजाति जो इस वक्त तबाही मचा रही है, इसे डेजर्ट हॉपर भी कहा जाता है। आमतौर पर शांत और अलग थलग रहने वाली टिड्डियां कई बार झुंड में उग्र हो जाती हैं, अग्रेसिव हो जाती हैं। इसे वातावरण में हो रहे बदलावों से जोड़कर भी देखा जा सकता है। अरब सागर के पास स्थित अफ्रीकन देशों में इनके अटैक काफी देखने को मिल रहे हैं। इनमें सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया शामिल है। ये हवा के बहाव के हिसाब से अपनी उड़ने की दिशा को तय करती हैं, क्योंकि इससे मदद मिलती है उनकी उड़ान में। टिड्डियां इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती। ये मधुमक्खियों की तरह डंक भी नहीं मारती। इनसे कोई बीमारी भी नहीं फैलती। हालांकि कम से कम अभी तक तो इसके सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन ये फसलों को जरूर बर्बाद कर देती हैं। पत्तियां और पौधे खाने वाले कीड़े खेतों में लगी खरीफ की फसलें चट कर देते हैं, वो भी इतनी तेजी के साथ कि किसान हाथ मलते रह जाते हैं। ये पत्ते, फूल, बीज, तनों की खाल सब चट कर जाते हैं। और यही नहीं, जब लाखों की संख्या में ये उतरते हैं जमीन पर तो पौधे इनके वजन से दबकर भी बर्बाद हो जाते हैं। ये हर साल आते हैं देश में, मई से नवंबर इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है, यानी कि बच्चे देने का समय होता है। इस साल इनका झुंड काफी बड़ा होता है और काफी ज्यादा नुकसानदायक भी। हालांकि ये प्लेग साइकिल नहीं घोषित हुआ है अभी तक। प्लेग साइकिल उस साल को कहते हैं जब बहुत बड़ी संख्या में टिड्डियों का दल अटैक कर दे। डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन फरीदाबाद ने ये बताया कि 1926 से 31 के दौरान इनका प्लेग फैला था। इसमें 10 करोड़ का नुकसान हुआ था। 40 से 46 और 49 से 55 के प्लेग साइकिल के दौरान 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दोनों बार इनसे होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना हो तो इसी बात से लगा लीजिए कि टिड्डियों का एक छोटा सा दल एक दिन में 2,500 लोगों के बराबर खाना खा लेता है। गुजरात के बनासकांठा जिले में हालत काफी खराब है। यहाँ के किसानों को चिंता है कि उनकी सरसों, जीरे और गेहूं की फसल कहीं पूरी तरह बर्बाद न हो जाए। तकरीबन 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र इससे प्रभावित है। ये दल 20 किलोमीटर तक लंबा है। इसमें तकरीबन 5 करोड़ टिड्डियां हैं। कच्छ, पाटन, थराड, सुईगाम जैसे इलाके टिड्डियों के दलों के निशाने पर हैं और वहां भी नुकसान हो रहा है। टिड्डियों के दल को कंट्रोल करने के लिए कीटनाशकों के अलावा भी कुछ उपाय किए जाते हैं। इनमें शामिल है शोर मचाना, केरोसिन छिड़कना, खेतों के आसपास गड्ढे खोद देना और उसमें पानी भर देना। हाल ही में गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जीतू वघानी का एक वीडियो भी इस पर वायरल हुआ है, जिसमें वो स्टील की प्लेट बजाते हुए खेतों में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।